बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आंसर्स कैसे लिखें, आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करें। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, आप कितना भी अच्छा आप याद कर लीजिए, लेकिन अगर आपका आंसर का प्रेजेंटेशन, अगर आपको दिखाने की क्षमता यानी अपने उत्तरों को प्रदर्शित करने की क्षमता अगर आप में नहीं है, तो मेरा दावा है दोस्तों, और ये आप जानते भी होंगे, कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आज मैं इसी विषय पर बात करने आया हूं आपसे। तो स्वागत है दोस्तों आपका इपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमको ये बताइए कि हम एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखें, उनको कैसे प्रेजेंट करें। सबसे पहले तो जान लीजिए, कुछ मैं आपको बेसिक टिप यहाँ पे देना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की मैं आपको टिप नहीं बताऊंगा, सरल बातों में दोस्तों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको सभी चीजें समझ में आए और आप इस वीडियो से आपको अपने आप को कनेक्ट कर पाए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे एपीएन क्लासेस पर जो भी वीडियो अपलोड हो, नॉलेजेबल वीडियोस दोस्तों, वो आप उसका फायदा ले सकें, उसका लाभ आप ले सकें। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप आंसर शीट आपके पास आए तो आपको धैर्य रखना है। सबसे पहले आंसर शीट में जो डिटेल्स दी गई हैं उनको आप अच्छे से फिल कर लीजिए, चाहे वो आपका रोल नंबर हो, चाहे आपका सेंटर कोड हो, दोस्तों जो भी चीजें डिटेल्स हैं उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा, उसमें कहीं भी एरर मत करिए। OMR अगर आपको दी जाती है बढ़िया से, अगर पेज पर लगी हुई है, तो पहले बहुत ध्यान से उसको भर लीजिए। डिटेल्स भरने के बाद अब आपका मेन काम शुरू होता है, जब अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं आप। तो देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले दोस्तों पेपर को आप पढ़ लीजिए, जो आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको मिलते हैं उसमें आप पेपर को पूरा पढ़ लीजिए, और जब आपको आंसर लिखने की बारी आए तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आप उसी क्वेश्चन से शुरू करें जिसका आंसर दोस्तों आपको आ रहा हो। क्योंकि एक बात जान लीजिए, ये बात एकदम सही है, किसी भी कार्य को आप कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई में, चाहे आप किसी चीज में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप एग्जामिनर को दोस्तों अपने स्टार्टिंग के पेजेस में से 3-4 स्टार्टिंग के पेज में अगर आप खुश कर ले गए, तो बिल्कुल दोस्तों आपके मार्क्स में इसका इफेक्ट आपको मिलेगा। और एक बार दोस्तों अगर एग्जामिनर अगर आप खुश हो गया आपसे, तो आप कहीं भी थोड़ी बहुत गलती भी करेंगे तो उसको एग्जामिनर आपकी एबिलिटी को देखते हुए, आपकी प्रेजेंटेशन को देखते हुए निगलेक्ट कर देगा और वो आगे बढ़ जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स देते हुए आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों बिल्कुल एक बात जान लीजिए, एग्जामिनर को नहीं पता है कि हम कैसे हैं पढ़ने में, हम गधे हैं, हम तेज हैं, हम एवरेज बच्चे हैं, ऐसा एग्जामिनर को नहीं पता है। वो बस आपकी कॉपी को देख करके, आपके प्रेजेंटेशन को देख करके आपके लेवल का अंदाजा लगा लेगा। तो इसलिए आपको अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना है। हाँ दोस्तों, आपको प्रेजेंटेशन इस तरह से देना है जैसे एग्जामिनर को लगे कि लड़के के पास नॉलेज है, और जो जब आप दोस्तों अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, जब आप अच्छी तरह से लिखेंगे, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपके पास नॉलेज है, आप अच्छी चीजें लिख रहे हैं। बिल्कुल अगर थोड़ी बहुत एरर भी करते हैं तो वहां पर भी मार्क्स उतने कट नहीं होंगे, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कुछ बातें आप जान लीजिए, सबसे पहले दोस्तों इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप एग्जाम के एक महीना पहले से एक पेज हिंदी और एक पेज इंग्लिश की राइटिंग आप लिखना शुरू कर दीजिए, धीमे धीमे आप देखेंगे आपका इंप्रूवमेंट राइटिंग में हो जाएगा। दूसरा काम आपको करना है, जब भी आप आंसर लिखें, एक आंसर के बाद दूसरे आंसर में गैप दें। हाँ दोस्तों, अगर आपका पेज खत्म हो गया है, 2-3 लाइन बची है, तो PTO लिख करके आप आगे बढ़िए और नेक्स्ट पेज टर्न करिए और नेक्स्ट पेज से आप लिखिए। बिल्कुल आंसर के बीच में आपको गैप देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, गैपिंग ही नहीं देते हैं, जिससे उनके आंसर्स ओवरलैप हो जाते हैं और एग्जामिनर को पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। एक बात जान लीजिए दोस्तों, अगर आपकी कॉपी पढ़ने में एग्जामिनर को असुविधा हो रही है, तो आपको अपने नंबरों का नुकसान उठाना पड़ेगा, ये बात एकदम निश्चित है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एग्जामिनर्स के पास फिक्स कॉपी होती है, उन्हें हर कॉपी के पैसे पे किए जाते हैं, उनके पास एक सीमित समय होता है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मुझे आसानी से चीजें मिल रही हैं तो मैं अच्छे से मार्क्स दूं, वो भी आपका मार्क्स काटने के उद्देश्य से नहीं बैठे होते हैं, वो भी किसी का फ्यूचर बर्बाद करने के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन अगर आप उनको इम्प्रेस कर लेते हैं, अगर आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स या आप इतनी ताकत आपके अंदर है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी से दोस्तों इम्प्रेस हो रहा है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आंसर्स के बीच में गैप देना होगा। इसके बाद दोस्तों, जब भी आपको जो स्टार्टिंग की पहली लाइन होती है पेज की, जो रेड लाइन होती है, उसको आपको छोड़ करके नेक्स्ट लाइन से लिखना है, उससे स्टार्ट कभी मत करिएगा। ये हमको बचपन में ही बताया जाता है, लेकिन हमें याद नहीं होती है सारी चीजें, ये आपको दोस्तों करना है। इसके बाद आपको केवल 3 चीज का यूज करना है, पेंसिल, स्केल और ब्लैक ब्लू पेन। आपको इसके अलावा आप कोई भी कलर्ड पेन कुछ भी यूज मत करिएगा। आप ऐसा करते हैं तो आपको एग्जाम में, आपके मार्क्स में दोस्तों
इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आप क्या करिए, जब भी आप आंसर्स लिख रहे हैं तो कोशिश करिए पॉइंट वाइज लिखें। इसके बाद आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, यानी जो आंसर का मेन पार्ट है, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए ब्लैक बॉल ब्लू पेन से, और उसके बाद आपको थोड़ा सा मोटा लिखने की कोशिश करें, ताकि वो एग्जामिनर की नजर में आए और आपका आंसर जब वो पढ़े तो आपके आंसर से वो इंप्रेस हो। बिल्कुल इस तरह से आपको करना है। इसके बाद जब भी आपका पेपर, मान लीजिए सेक्शनल पेपर है, मान लीजिए उसमें सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो आपको सबसे पहले पर सेक्शंस को लिखना है कि सेक्शन ए, उसके बाद आपने लाइन की दो लाइन छोड़ी, फिर आप स्टार्ट कर रहे हो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इससे क्या होगा कि उसको डिफिकल्टी नहीं होगी एग्जामिनर को फाइंड आउट करने में कि आप किस सेक्शन का कौन सा आंसर दे रहे हो। इस तरह से आपको लिखना है। बिल्कुल ये काम दोस्तों आपको करना है। इतना काम अगर आप कर रहे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि बोर्ड एग्जामिनर हमें नहीं जानता है कि हम किस स्तर के हैं, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हमारा लेवल है, तो इसी का फायदा आपको उठाना है। अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इतनी अच्छी कर लीजिए कि आपकी कॉपी जब एग्जामिनर पढ़े तो उसको लगे कि हाँ ये सब बच्चों में सबसे अलग बच्चा है, और सभी चीजें आपको नीट एंड क्लीन रखनी है। हाँ दोस्तों, और दूसरी चीज, कटिंग जो आप करते हैं, जब भी आप आंसर लिखें तो कटिंग करने से बचें। कटिंग का दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डार्क पेन चला देते हैं उस पर कई ज्यादा, और कटिंग जब आप करेंगे तो एग्जामिनर के माइंड में आएगा कि यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, तो वो आपकी मिस्टेक को फाइंड आउट करके, और जैसे ही आपकी कॉपी में ज्यादा समय लगाएगा वहां पे आपके मार्क्स कटने बिल्कुल शुरू हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपके आंसर्स को पढ़ने लगेगा ज्यादा ध्यान से, और जहां भी आप एरर करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे, स्पेलिंग एरर करेंगे, जो भी चीजें आप करने वाले हैं, कुछ आप पॉइंट्स लैग करेंगे, वहां पे कुछ पॉइंट छोड़ेंगे, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आपका आंसर, कोशिश करिए कि कटिंग हो ही ना, अगर हो रही है तो एक सिंगल लाइन आप काट करके आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल। और दूसरी चीज, जब भी आंसर लिखें तो वर्ड्स के बीच में गैप दें। इसके मतलब कि आपको पढ़ने में आसानी हो, ऐसा ना हो कि आपके वर्ड्स ओवरलैप कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसका मार्क्स, आपको दोस्तों मार्क्स की हानि, यहाँ पर आपको मार्क्स का नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक टिप्स थी, मैं आपको बता दिया किस तरह से आपको अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करें बोर्ड एग्जाम में, इंग्लिश का पेपर लिखें कैसे, ये मैं आपको दोस्तों अगला वीडियो लेकर के आने वाला हूं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए, और दोस्तों वादा है आपसे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं। आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।